देखिए यहाँ पर सुअर पालन मल्ली के साथ साथ ये जो स्टार्टर है फीड ये नहीं खिला रहे हैं। हालांकि जो पिगलेट्स है ये देसी है, बट इनकी जो ग्रोथ है वो बेहतर हो सके, इसलिए गांव गोयला में अमित ठेकेदार जी जो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग भी करते हैं साथ साथ बिगरी फार्मिंग का भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है। और इनको अभी ये ड्राई फीड खिला रहे हैं स्टार्टर। कौन सी कंपनी का स्टार्टर है जी? ड्यूज का। ये देखिए किस तरीके से जो घर के देसी जानवर हैं वो भी स्टार्टर को या फिर ये ड्राई फीड को बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं। एंड अगर बात की जाए जो ग्रोथ रेट है फीड का या मल्ली का या फिर होटल वेस्ट बियर वेस्ट का, तो ड्राई फीड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रॉपर फीड है जो प्रॉपर फार्मिंग होती है। पिगरी फार्मिंग की अगर बात की जाए तो उसमें ड्राई फीड सबसे ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है, प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है इससे जो सारे न्यूट्रिशंस इसमें रहते हैं। और देखिए इसके बाद में इसको पानी पिलाना जरूर पड़ता है, क्योंकि बगैर पानी के इनका वेट गेन नहीं होगा। और सोच रहे हैं कि इनको खाना खिला दे छका के, तो ये लिमिटेड होता है, बट एट द वेरी सेम टाइम उसके बाद में इनको कॉन्स्टेंटली पानी चाहिए। कि ये स्ट्रक्चर है देसी मॉडल फार्मिंग का गांव गोयला में, जिला मुजफ्फरनगर।